वेलकम टू शिलोंग। नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों, तो तैयार हैं आप एक और मजेदार और स्वादिष्ट खाने के सफर के लिए? दोस्तों हमारा सफर शुरू हो चुका है गुवाहाटी से शिलोंग तक का, और क्योंकि हम सुबह सुबह जल्दी निकले हैं इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले खाएंगे बढ़िया से ढाबे में बढ़िया सा नाश्ता। आइए हमारे साथ। हाँ जी ढाऊ दोस्तों, तो ये है सरदार जी का ढाबा और तदे सरदार जी से बात करते हैं। सरदार जी सत श्री अकाल, नमस्ते। सरदार जी पहले थोड़ा नाम दसो। मेरा नाम हरमीत सिंह सर। अजय वाह जी वाह। अच्छा ये ढाबा आप कितने सालों से चला रहे हैं यहाँ पे? एक्चुअली मेरे भाई का है बड़े का ढाबा। अच्छा, उनको हो गए 8-9 साल। 8-9 साल से। और ये खाली ब्रेकफास्ट के लिए कि लंच डिनर सब है? सब कुछ मिलता है सर हमारे पास। ब्रेकफास्ट में आपको शुरुआत में छोला भटूरा देते हैं, गर्मा गर्मा आलू परोठा देते हैं, पनीर परोठा देते हैं। अरे वाह। ब्रेड ऑमलेट देते हैं, फिर लंच में आपको चिकन मटन फिश के बाद पनीर मिल जाता है। वेज में दाल तड़का दाल मखनी शाही पनीर सब मिलते हैं सर। तो मतलब पूरा वेज नॉन वेज सब वेराइटी है आपके पास? सब। और इस एड्रेस बता दो इस जगह का। ये एड्रेस सर एक्चुअली मेघालय में पड़ता है ये। हाँ। इसमें जो शहर लगता है वो नोंगपू में है। अच्छा। ये विलेज है, कोमरियो विलेज है। हाँ। उसमें ओके जी। तो ये अभी हम गुवाहाटी से निकले तो कितने किलोमीटर होगा गुवाहाटी से? ज़्यादा नहीं सर, कम कम सिर्फ 40-45 किलोमीटर। अच्छा, और यहाँ से शिलोंग कितनी दूर है? वो 50-60 किलोमीटर। ओके जी, तो चलिए हम क्या खाएं ये बताओ आप। आप खाइए सर, आलू परोठा लीजिए या पनीर परोठा लीजिए। ठीक है, आलू परोठे और भटूरों का मजा लेते हैं। थैंक यू जी। तो दोस्तों आ गए हैं गर्मा गर्म पराठे। लता जी आपका कौन सा पराठा ये तो बताइए। आलू का पराठा, तो आलू का पराठा लगा हुआ है, इतना गर्म है। हाँ अलग टाइप के हैं। खा के तो बताओ कैसा है स्वाद। अच्छा ओके, तो दोस्तों ये है पनीर का पराठा। मतलब छुओ लेकिन ध्यान से, गर्मा गर्म धुआं निकलता है। ये देखिए क्या मस्त पनीर है इसके अंदर, सिंपल सा है। और मैं खाऊंगा इसको छोलों के साथ। ये देखिए छोलों का ग्रेवी और कलर ही कुछ अलग लग रहा है यहाँ का। छोले भी कुछ अलग लग रहे हैं, पूछना पड़ेगा कौन से हैं ना। हाँ हाँ, पराठा जैसे कि दादा ने बोला एकदम सिंपल, कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ नहीं पड़े हैं इसके अंदर। फ्रेश पनीर है, फ्रेश दही है, चटनी भी लेके देखते हैं। हाईवे पे खाने का मज़ा और प्लस सरदार जी के ढाबे में क्या बात है। ये लगाएंगे चटनी के साथ, और ये सिर्फ चटनी और पनीर पराठा। वो चटनी क्या कमाल की है, जो भी इंग्रेडिएंट डाले हैं उन पहाड़ी एरियाओं के, जो धनिया पुदीना जो भी पड़ा है इसके अंदर, इतना ताज़ा इसको फील देना तो बस मज़ा आ गया। तो कंटिन्यू करते हैं नाश्ता, पनीर पराठा आलू पराठा छोले और दही, और यहाँ से निकलेंगे आगे और दही। दोस्तों मैंने तो नाश्ता कर लिया, अब हमारी प्यारी बहनों का नाश्ता भी मैं आपको दिखा दूँ। आपका नाम? मनीषा। ये देखिए यहाँ का लोकल नाश्ता, दाल सब्जी साथ में सलाद। और ये मैडम जी आपका नाम? पूजा। तो पूजा और मनीषा आप दोनों यहाँ पे काम करते हो? हाँ। अरे वाह, चलो आप नाश्ता एंजॉय करो। तो ये है यहाँ का लोकल ब्रेकफास्ट, पूजा और मनीषा एंजॉय कर रही है, शाबाश।
तो दोस्तों आ गया हमारा बिल 315 रुपये, दो बड़े बड़े परांठे, छोले और दही। मतलब इसके बाद लंच खाएंगे कि नहीं उम्मीद तो नहीं है, लेकिन खाना देख के भूख तो लगी जाती है। चलो बिल देते हैं और आगे बढ़ते हैं शिलोंग की तरफ। चलिए दोस्तों हम जा रहे हैं अभी शिलोंग की तरफ और रास्ते में एक खूबसूरत लेक आया है, उमियम लेक। इस ब्यूटीफुल बहुत बड़ा लेक है यहाँ का। एक तरफ लेक है, ये हमारी गाड़ी है, लता गाड़ी के अंदर बैठी हुई है और बस अब कुछ ही देर में हम शिलोंग पहुँच जाएंगे और वहाँ से चेरापुंजी चलेंगे। ओके तो चलिए चलते हैं आगे इस खूबसूरत रास्ते पर और बढ़ते हैं शिलोंग की ओर। तो दोस्तों हम एंटर कर चुके हैं शिलोंग शहर और ये यहाँ का खूबसूरत गोल्फ कोर्स है। छोटी सा टाउन है, बड़ी प्यारी प्यारी सड़कें हैं और गोल्फ कोर्स सड़क के दोनों तरफ है। नाइस लिटिल शिलोंग, वेलकम टू शिलोंग। हेलो हेलो, मुझे थोड़ी मोशन सिकनेस है, ट्रैवल सिकनेस है, थोड़ी मेरी हालत खराब हो। ओके ओके, ध्यान रखो, आराम से बैठो। दोस्तों जैसे ही चेरापुंजी पास आते जा रहा है, मौसम बदलता जा रहा है, बादल छा रहे हैं और बारिशों का माहौल बन रहा है। आप लोग जानते होंगे चेरापुंजी में बहुत बारिश होती है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश चेरापुंजी में ही होती है। कभी भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती है। सो इट्स गेटिंग कोल्ड ऑल्सो नाउ। देखो लोगों के कपड़े भी बदल रहे हैं, सब ने इधर जैकेट्स शॉल्स पहन के रखे हैं और शिलोंग से भी ज़्यादा खूब ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर अभी। हेलो बोलो। शर्मा गई, वो शर्माती है। ये नहीं शर्माती, देखो। लाइन में यहाँ पर मिल रहे हैं फर्स्ट क्लास भुट्टे ठंड में। डम्फेब है इस जगह का नाम। अच्छा व्यू है यहाँ से, तो गाड़ी रुकवाई है यहाँ पर देखने के लिए। ये देखिए भुट्टे ही भुट्टे, अब खाया जाएगा एक मस्त नींबू और मसाला लगाकर एक बढ़िया सा भुट्टा। ये आ रही है मैम, वो भुट्टा खाओगी? बताओ कि मैं खा लूँ? मैं तो खाऊँगा। हाँ है। एक बनवाते हैं ना मस्त, करा रहा था। हाँ एक ही लेंगे, शेयर करेंगे, इन्हीं से बनवाऊंगा जो ज़्यादा शर्मा रही है। जो ज़्यादा शर्माएगी ना उसी से बनवाऊंगा। भुट्टा दो एक, अरे एक भुट्टा दो। ये देखो अब लगेगा इसके ऊपर मस्त नींबू वाला मसाला। आ हा, लेकिन इन्होंने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, क्या बात है। आप लोग पूरा दिन बैठते इधर सुबह से शाम तक यहाँ पर? अच्छा अभी लगाया जाएगा पत्ता। ओहो ठंड में और बारिश में भुट्टा खाने का जो मज़ा है कुछ बात ही अलग है। मैडम को दे दो। चलो हैव अ बाइट एंड टेल मी। ओहो जो नज़ारा है पीछे इसको देखो और भुट्टा खाओ, क्या बात है। हाँ हाँ ऐसे खा रही है जैसे आइसक्रीम खा रही है, कैंडी कुल्फी। क्या बात है। नाइस, गिव मी अ बाइट। ये आया हमारे हाथ में, थोड़ा और मसाला लगाना है। मसाला थोड़ा सा कम है लेकिन मस्त है, थोड़ा और मसाला चाहिए। भुट्टा खा लिया, अब गर्मा गर्म चाय पी जाएगी। ऑन सा स्मॉल स्टॉल ऑन द रोड साइड जो टिपिकल हिल स्टेशंस पर होता है ना, सुंदर नज़ारा और यही है मज़ा। चलिए चाय पी जाए,
आ गई है छोटी सी प्यारी सी चाय। हाँ जी चीयर्स टू चाय, लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ चाय हाय हाय। ठंडी ठंडी हवा, गरम गरम चाय, अरे बहुत मस्त है। मीठा भी एकदम सही है, कम है एकदम, दूध भी जैसा चाहिए उतना ही है। और अब इस ठंड में ना गर्मी ला रही है शरीर के अंदर। चलो अब सफ़र लंबा है, चलेंगे चाय पीते पीते गाड़ी की ओर और पहुंचेंगे अपनी अगली मंजिल पर। चलते चलिए हमारे साथ आइए। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं, सोहरा बोलते हैं जगह को, वैसे हम चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर साइट सीइंग स्पॉट है गार्डन ऑफ केव्स। तो हम दोनों आए हैं गार्डन ऑफ केव्स, अब अंदर क्या है और क्या नहीं हमें पता नहीं, वो अंदर जाके ही पता चलेगा। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं चेरापूंजी के सुंदर सुंदर गार्डन ऑफ केव्स। क्या बोलती हो? यस, बोल नहीं रही, ठंड लग रही है, ठंड के मारे बोलती बंद है। चलिए अंदर चलते हैं। यस फ्रेंड्स, हम पहुँच गए अंदर, ये शुरू हमारा टूर गार्डन ऑफ केव्स का। चलते रहेंगे और देखेंगे क्या क्या सरप्राइज है अंदर हमारे लिए। ओके दोस्तों, तो दिस इज द एंट्री केव्स की। सच्ची में गुफा है और कहते हैं बहुत बड़ा गुफा है और अंदर ही सब कुछ है जो भी है देखने लायक। तो हम यहाँ पर जो बोट्स लगे हैं उनको फॉलो करेंगे, यारों को फॉलो करना है ना। ओके यहाँ से हमें अंदर जाते जाना है। ओहो हो, अंधेरा हो रहा है, असली गुफा है, क्या बात है। मैडम कहाँ हैं? आ रही हैं। ये हमारे साथ अभिषेक है, ये हमारा ड्राइवर भी है, हमारा गाइड भी है और अभी हमारा कैमरा मैन भी है। तो चलो चलते हैं। ओहो छोटा छोटा पानी तो हमेशा आता रहता है, सब कुछ नेचुरल है एकदम। ओके लवली प्लेस। मैम आ रही है धीरे धीरे, स्पोर्ट शूज भूल गए अपने और अब इन सैंडल्स में चलना मुश्किल हो रहा है। हाँ तो सही कह रही है। सिर पे क्या पहनने वो याद रहा, पैर में क्या पहनने वो याद नहीं रहा। चलिए जूते पकड़ लिए गए हैं हाथ में, क्योंकि नंगे पैर पे चलना ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है। क्यों? पत्थर ठंडा होगा ना। चलो अब जो भी है यही है। ये कोई आ रहा है धीरे धीरे। हाँ जी दोस्तों, ये हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है ऐसी गुफा का और मज़ा भी बहुत आ रहा है। और इधर हर जगह पानी पड़ा हुआ है, फिसलन है, ढलान है। तो एक एडवाइस है, जैसे आज लता अपने शूज़ भूल गई हैं, आप अपने जूते कभी मत भूलिए। कभी भी गार्डन ऑफ केव्स आए तो प्रॉपर शूज़ पहनकर आइए। हाँ जूते ज़रूर रखिए क्योंकि चलना बहुत है और रास्ता कठिन है। ओह देख लीजिए आगे। फाइनली ऐसा लग रहा है हम कहीं बाहर पहुंच रहे हैं। ओह
क्या बात है, कई कई जगह ऐसी है जहाँ पर मैं अकेला ही आ रहा हूँ क्योंकि लता पहुँच नहीं पा रही, बिकॉज स्लिपरी बहुत है और ज़मीन भी ठंडी बहुत है, लेकिन खूबसूरत इतना है ना कि मैं अवॉइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अकेला ही घूम रहा हूँ और घूमते जाऊँगा और जाऊँगा आगे। And this is one daring couple जो ठंडे पानी में नीचे गए और बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक कराई। क्या बात है, हमारी हिम्मत नहीं हुई। दिस वाटर इज रियली वेरी वेरी कोल्ड। दोस्तों थक गए, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते गुफाएं घूमते घूमते, और ये देखो अभी इतनी सीढ़ियाँ और चढ़नी है, दिखाओ अभिषेक कितनी सीढ़ियाँ और चढ़नी है। ओहो हो हो, तो इसलिए यहाँ पर आराम ज़रूरी है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही यूनिक चीज देख रहे होंगे आप लोग फ्रेंड्स, ये नेचुरल जो है केव में बेबी इन द मदर्स वूम ये बोला जाता है पॉइंट को, यानी कि माँ के गर्भ में जैसे बच्चे की शेप होती है, जिस तरह से बच्चा होता है बिल्कुल उसी तरह से है। और लोगों ने कुछ पैसे वगैरह भी चढ़ाए, तो मुझे लगता है शायद कोई मन्नत भी मांगी जाती होगी यहाँ पे, हो सकता है मन्नत मांगने से कुछ ऐसे आप भी चढ़ा दो जो है। एंड द जर्नी कंटिन्यूस। अच्छा, ऐसे ऐसे बेंचेस दिए हुए हर जगह पर, ज़्यादा थक जाए तो बैठ सकता है, आराम कर सकता है, जैसे हमारे भाई साहब आराम कर रहे हैं। नमस्ते जी। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं पॉइंट्स 9 and 10, टोटल 11 पॉइंट्स हैं। अभी चलते हैं ये पॉइंट 9 and 10 देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। ओहो हो, कठिन है रास्ता लेकिन मंजिल हसीन है, क्या बोलती है इसके बारे में हसीना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अच्छा, लाइफ में कभी नहीं हुआ अभी। क्या बात है, मैंने हसीना बोला तो मुझे भी तो कुछ बोल दो। पसीना ये लो, बोलना चाहिए तू, मैं हसीन तू जवां, हसीना पसीना, सही है, सुन लो, ये है हमारी कदर। तो दोस्तों ये है मेडिसिनल वाटर, ये एक्चुअली झरने से आ रहा है इधर अंदर, तो कहते हैं पता नहीं इसके बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ है ज़्यादा यहाँ पर, लेकिन हम पी लेते हैं, क्या कह रहे हैं कि अच्छा है तो अच्छा ही होगा हेल्थ के लिए। होती है सब बीमारी बोलते हैं ठीक होती है। हाँ, पानी का टेस्ट कितना अच्छा है, है कि नहीं, मज़ा आ गया, पी लोगी कि झरना खत्म करोगी? थैंक यू। तो फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये ओम दवाई इसका नाम है, ये एक झरने से पानी आता है जो एक रॉक से निकलती है, और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि इस पानी से उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। नेचुरल वाटर फ्रॉम अ नेचुरल स्प्रिंग, नाम पड़ेगा ओम दवाई। तो दोस्तों ये है हार्ट शेप्ड रॉक, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये नेचुरल शेप है और हर सीज़न में चाहे बारिश हो चाहे समर हो चाहे विंटर हो इसका वाटर का लेवल सेम रहता है, एंड ये राइट इन द सेंटर ऑफ द गार्डन है यहाँ पर। तो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, तो हमने सारे पॉइंट देख लिए गार्डन ऑफ केव्स के, सुबह सुबह अच्छा बढ़िया नाश्ता भी कर लिया पराठों का। तो चेरापुंजी का आज का ट्रिप हम यहीं ख़त्म करते हैं, इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। तब तक आप सब खाइए पीजिए ऐश कीजिए। धन्यवाद।